जा चुके। ठंडी लग रही है यार, यहाँ पर हमारी जो मैगी है बन के तैयार हो चुकी है, ज्यादा पानी में रहेगा उसको सुबह देने वाले। तो गाइस यार, कुछ दिन पहले हमने मैसेज किया था ट्रेड इंसान को कि वो हम लोगों को कोई चैलेंज दे। उनका रिप्लाई आया कि तुम लोग मेरे छोटे भाई की तरह 24 आवर्स बिताओ प्लेन के अंदर। तो गाइस यार, हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और हम लोग बिताएंगे 24 आवर प्लेन के अंदर। गाइस यार, हम आ चुके उस प्लेन की तरफ जहाँ पे हम करने वाले थे 24 आवर्स चैलेंज, जो कि हमें दिया था ट्रेड इंसान ने। गाइस यार, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हो गई यार, गार्ड ने हमें अलाउड नहीं किया यार। पता नहीं कैसा गार्ड है यार, वो जो अंकल सामने बैठे उन्होंने मना कर दिया कि तुम यहाँ पे वीडियो बना ही नहीं सकते, अंदर जा ही नहीं सकते। तो अब हम करेंगे वापस से ट्रिगर इंसान को मैसेज, उनको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था, फिर देखते हैं वो हमें क्या बोलेंगे। या चलो गाइस यार, करते हैं मैसेज ट्रिगर इंसान को और करते हैं एक और खतरनाक चैलेंज। जब तक आप देखो ड्रोन शॉट्स। रास्ते में से भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ट्रेड इंसान ने यार चैलेंज दिया था यार, और हम वो चैलेंज नहीं कर पाए उस गार्ड की वजह से। इसलिए हम लोगों ने फिर से ट्रेड इंसान को मैसेज किया और सारी कहानी उनको समझाई, और उन्होंने बोला डोंट वरी, मैं तुम्हें एक और चैलेंज देता हूँ, जो था 24 आवर स्विमिंग पूल का। और गाइस यार, ये भी काफी अच्छा चैलेंज था और चैलेंजिंग भी था हमारे लिए, इसलिए यार हम लोग अपनी सारी टिकटें कैंसिल करके चले गए डायरेक्ट स्विमिंग पूल। हमारा बिल्कुल रेडी है, अभी बज रहे दोपहर के 12, टाइम हो रहा है शुरू 24 घंटे स्विमिंग पूल का। चलो फटाफट से कूदते हैं। तो गाइस यार, मेरी स्ट्रेटेजी होने वाली कि मैं यार ज्यादा मतलब हिलूंगा डुलूंगा नहीं, मैं पानी के अंदर स्टिल रहूंगा जिससे ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, और यार मैं कम से कम 24 आवर्स तक तो रह सकूं, वरना यार 24 आवर्स बहुत ज्यादा हो तो रात में बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। मैं ये खाती है, मेरे को पोटी आ रही है। तो गाइस यार, अभी हम करने वाला एक खतरनाक सा पानी वाला चैलेंज, जो भी सबसे ज्यादा पानी में रहेगा उसको सुमित देने वाला है 5,000 रुपए। तेरे पास ऑक्सीजन मास्क तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं यार मेरे पास, ये कान में गए। अरे कान में कुछ है, कान में चीटिंग कर रहा है। ये तो स्पेशल डिवाइस है जिससे मैं बहुत ज्यादा सांस ले सकता हूँ। कान से कौन सांस लेता है, छोड़ तू अपना काम करना। चल आ जाओ, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पानी में रहेगा। 1, 2, 3 बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एक सेकंड की वो हो गई, तू निकला मैं भी साथ तो तेरे निकलते मैं आगे, मैं देखे तू निकल गया तू आगे बाहर। ऐसे थोड़ी होता है यार, क्या मैं अंदर क्या करूँ जब तू निकल गया। चीटिंग करता है यार ये, सोच के गए और बराना। तो गाइस यार, कुछ 12 बजे आए थे और अब 1 बज गए शायद, और यार 1 घंटे में थोड़े हाथ खाल दे, वो 1 घंटे का हाल है, ऐसे दिख रहा हो तो तुम्हें कैमरा के अंदर। पता नहीं यार 24 घंटे में क्या ही होने वाला है, मरमुरा तो नहीं जाएंगे यार। तो गाइस यार, अभी एक चैलेंज करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था वो डाइविंग वाला चैलेंज, अब करेंगे बॉल चैलेंज। इसके अंदर सिंपली मैं इसकी तरफ लाइक बॉल को हम पानी के ऊपर रख देंगे, उसके बाद हम प्रेशर बनाएंगे पानी का, जिसके साइड अगर बॉल गई वो हार जाएगा, जिसने पहुंचाई वो जीत जाएगा। तो लेट्स गो। जीत गया, मैं जीत गया, चीटिंग कर रहा हूं। फिर से 5,000 रुपए में जीत चुका हूं। इसको कमर चलवा दे। तो गाइस यार, शाम के अभी 4 बज रहे हैं और सारी भीड़ खत्म हो चुकी है, बहुत देर हो गई तैरते तैरते, ऐसी तैसी हो चुकी है। तो अभी थोड़ी थोड़ी ठंड चालू हो चुकी है और हम करने वाले हैं खतरनाक सा चैलेंज। ये हमारे पास एक सिक्का है जो कि हम फेंकने वाले हैं पानी के अंदर, और बहुत सारे जने आ चुके हैं, इनमें से जो भी सिक्के को ढूंढेगा उसको देंगे हम 10,000 रुपए। तो गाइस यार, ये रहे हमारे प्लेयर्स, यहाँ पर सचिन, हत्ता, आशीष, कुणाल और वरुण, और लास्ट में बसता है हर्ष और मैं भी। हम में से जो सिक्का ढूंढ के लाएगा उसे देने वाले हम 10,000 रुपए का प्राइस, कैश प्राइस। तो गाइस ये रहा सिक्का, तो लेट्स गो, गो ढूंढने से जो ढूंढेगा 10,000 का प्राइस। तो गाइस यार, लगभग 10 मिनट हो चुकी है, मेरे को लगा था यार इजीली कोई भी जीत जाएगा, पर यहाँ तो इनकी ऐसी ऐसी हो रखी, एक के तो नाक में पानी चला गया, बिल्कुल पता नहीं लग रहा कहाँ गया सिक्का। बहुत मजा आ रहा है यार, देखते हैं आखिर में कौन जीतता है, कौन लेके जाएगा कैश प्राइज 10,000 का। लेट्स गो। काम करता हूँ
अपनी गोद में से एक का सिक्का निकाल कर इनको दे देता हूँ, 10,000 रुपये तो मिलेंगे कम से कम। भाई इस चीज़ के लिए हमने कैमरे लगा रखे, कोई चीटिंग ना करे, ठीक है? जैसे के लिए हम सारा प्रोग्राम मैं कच्चे में लुका के लिए आऊंगा, डोंट वरी ब्रो। गाँव के मुझे तो ऐसा लग रहा है सिक्का नहीं मिलेगा, क्योंकि स्विमिंग पूल बहुत ज्यादा बड़ा है और सिक्का इतना ज्यादा है और ऊपर से लहर बहुत ज्यादा उठ रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि सिक्का मिल पाएगा। क्या कर रहे हैं अबे यार तुम लोग, सिक्का ढूंढो ने, क्या बकवास कर रहे हो यार? जनता को कदर ही नहीं यार, 10,000 रुपए दे रहा हूँ इनको, जब भी लोग बकवास कर रहे हैं सिक्का नहीं ढूंढ रहे भाई। वो बंदा अच्छे से ढूंढ रहा, शाबाश भाई, तेरे को पक्का मिलेगा सिक्का। यार क्या कर रहे हैं भाई, मैं तो सिक्का ढूंढ रहा हूँ। किसी को मिला का सिक्का ढूंढे पर लगभग 1 घंटा हो गया, किसी को नहीं मिला क्या? मेरे को लगा तुम लोग गांव के खाकर ढूंढ लोगे। भाई यार इनको तो अभी तक सिक्का तो मिला नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक ये लोग सिक्का ढूंढते हैं, हम एक और गेम खेलने वाले जिसका नाम है टग ऑफ वॉर, जिसके अंदर मैं खींचूंगा इस रस्सी को एक साइड से और ये खींचेगा, देखते हैं हम दोनों में से कौन सा खींच पाएगा एक दूसरे को पानी के अंदर। तो लेट्स गो। अरे यार इन्हें देखिए, इनकी गांड भी दिख रही है। साइड करो, 1, 2, 3 चलो। ओ गाइस मैं जीत गया। अबे तू तो हार गया, ओ मोटे क्या हो गया, इतनी जान थी तेरे अंदर। साले मैं जीत गया। तो गाइस यार हमारा नेक्स्ट चैलेंज होने वाला है मेरे और वरुण के बीच में। तो गाइस ये ट्यूब देख रहे हो ना आप, इसके ऊपर मेरे को खड़ा होना है, और अगर मैं एक बार भी बीच में नीचे गिर गया चलते वक्त तो यार मैं हार जाऊंगा, और सेम चीज जिसको करनी और देखते हैं मैं इसको कर पाता है नहीं कर पाता है। तो चलो गाइस यार मैं इसके ऊपर अब खड़ा होता हूँ। ओए कोई धक्का ज्यादा तेज मत देना, ठीक है? जाना होगा मुझे आराम से, आराम आराम से। चलो चलो तो गाइस यार अब तो मैं तो गिर चुका हूँ, पर अब बारी है वरुण की, देखते क्या वरुण मुझसे ज्यादा दूर जा पाएगा नहीं जा पाएगा। मैं गया तो वहां तक, अब देखते ये कितना दूर जाता है, और मैं नहीं चाहता ज्यादा आगर जाए इसको बीच में। नहीं 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 ऐसे चीटिंग नहीं, चीटिंग से हराएंगे तो यार मैं नहीं जीतूंगा। अरे बाबा बाबा मैं सीधा खड़ा था, ओए हाथ ही लगाएगा, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से, हल्लू हल्लू हल्लू, ओए सीधा खड़ा, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। किसी को सिक्का मिल गया, चलो देख के आते किसको मिला सिक्का, और रुक जा मैं आ रहा हूँ, देखते गाइस यार इसको सिक्का मिला या झूठ बोल रहा है। देख रात हो चुकी बिल्कुल, कब आए थे हम लोग, ₹10,000 नाम बता दो, कितनी खुशी हो रही है तुम्हें, बताओ क्या करोगे 10,000 रुपए से? कपड़े लूंगा। कपड़े लेगा? अरे अच्छा मेरे को भी दिला देना, तो छोटे आएगा देखो, 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 देखो। तो गाइस यार फाइनली इतनी देर बाद रात हो चुकी है, और भाई इस भाई ने निकाला है सिक्का ढूंढ के, इसका नाम है हत्ता, और भाई ये जीते 10,000 रुपए इतने बड़े स्विमिंग पूल के अंदर। आप कुछ खुश तो हो जाए यार, बॉडी बॉडी दिखा दे यार एक बार, अरे दिखा दे यार एक बार। ये गाइस यार देख रहे हो 10,000 रुपए से भाई कपड़े वपड़े ले लो, मस्त बदलेंगे, ये लो ये रहे तुम्हारा प्राइज, और ये रहा तुम्हारा पानी, इस पानी के अंदर तुम जीते, इस पानी में तुम्हें 10,000 रुपए, तुम्हारी ट्रॉफी है। तो अभी आप देख सकते हो रात पूरी हो चुकी है, और पूरा का पूरा पूल शांत हो चुका है, सभी लोग जा चुके हैं, कितनी ज्यादा रात हो गई है, और हमारे हाथ देख सकते हो पूरे लाल हो गए, सब कांपने लग गए खतरनाक तरीके से। यार मुझे लगा था कोई तो दोस्त मेरे साथ रहेगा, पर यार हमें दोनों को चैलेंज पूरा करना पड़ेगा, और मुझे डर पता क्यों लग रहा है यार, देखो सुनसान इलाका यार, एक बार दिखा दियो, मतलब जो पूल है ना वो थोड़ा सुनसान इलाके में, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम है यार, मतलब रात के टाइम, और यार अभी रात के लगभग बज रहे हैं 8:30, 8:30, 9 बज गए, तो मतलब यार दिक्कत होने वाली है ज़्यादा, और बहुत अजीब सा लग रहा है, लाइक हाथ अजीब से हो गए हैं, लाइक अजीब से महसूस सा नहीं हो रहा, लाल से हो गए हैं, और बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है यार, और बहुत ही ज्यादा हवा भी चल रही है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और रहना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऐसी हो रही है। गाइस लास्ट में जब ये चैलेंज रखा हमने शाम में, क्योंकि जो लोग चैलेंज करना चाह रहे थे वो लोग शाम को ही आए, इसलिए यार वहाँ ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई मेरी थोड़ी, तो लगता है गाइस यार शायद मुश्किल कर पाएंगे, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा 24 घंटे बिताने की पूरी। शांति कितनी, एक बार सुनो,
तो चलो गाइस यार देखते हैं कब तक रहा जाता है, क्या होता है। कैमरा साइड में आ जाओ। गाइस यार काफी ज्यादा रात हो चुकी है और फिलहाल यार बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ यार पूल में से बाहर निकलना नहीं है तो पूल पे खाना बनाते हैं। तो गाइस देखो यार यहीं पर मैं चूल्हा वूल्हा लेके और ये रहा हमारा तवा। और गाइस यार बहुत तेज हवा चल रही है तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें मैगी बना रहा हूँ, तो मैगी बनती है और मैगी यहीं खाते हैं। यार अंधेरा कुछ ज्यादा ही हो गया और लाइट भी जा चुकी है पहली चीज। और देखो एक चीज और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर गाइस यार यहाँ पर हमारी जो मैगी है बनके तैयार हो चुकी है। सोचो पूल के अंदर बैठे बैठे मैगी बनाई है और चूल्हा हमने साइड कर दिया। बहुत देखो वहाँ दूर पड़ा है, देख रहा हो तो तुम लोगों को फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ठंड ज्यादा लग रही है और बार बार बहुत अजीब सा लग रहा है ना। तो चलो गाइस आप जल्दी सी मैगी खाते हैं। गाइस एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है, सुबह जिस हिसाब से आए थे सोचा था कि पूरे 24 घंटे करेंगे, कर तो अभी भी रहे पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैगी खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है पर कभी लग रहा है कभी हो रहा है। तो गाइस फिलहाल रात के कुछ टाइम हो रहा है, 11:30 हो गए होंगे, 11:30-12:30 बजने वाले हैं और अगला दिन होने वाला है। देखते यार और कितनी देर रुका जाए, मैं तो चाहता हूँ भाई चैलेंज पूरा ही कम्प्लीट करूँ। भाई शायद मैं पहला ऐसा बंदा होऊंगा जो चैलेंज कम्प्लीट करूँगा। मतलब हाँ तू भी, अरे यार तू रोता क्यों है, तू भी मेरे साथ में, मना नहीं कर रहा। ज़्यादा ठंडी लग रही है, अब इतनी गरम गरम मैगी खा के इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो अलग बात है बहुत ज़्यादा बकवास बनाई है हमने। तमारे माडे इडली खाओ छे। गाइस यार एक प्रॉब्लम हो गई, सच्ची सच्ची बोलूँ झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था पूल में आने से पहले, लाइक थोड़ा बहुत 2-3 चपाती खाई थी। पल सी बात, मैं सुबह पोटी नहीं हो गया था, मैगी खा दी, अब मेरे को पोटी आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है बाहर गया तो यार चैलेंज टूट जाएगा। इधर भी तो कर तेरे बाप का है ये। और रही बात पोटी की तो ये गटर है इसके मुंह में कर दी। क्यों टच कर रहा फालतू में, बकवास कर रहे, तैर लेना चुपचाप अपने। मैंने कब टच किया हा? यार तू नीचे टच करने क्या है बार बार। क्या है अबे, क्या टच हो रहा फालतू, फिर टच किया तूने। मैं इधर इतना दूर से कैसे टच करूंगा, क्या है पानी, क्या है पानी के अंदर, क्या है, कुछ तो है, कुछ ही नहीं है, कुछ तो है भाई। अबे कुछ दिख भी नहीं रहा है, पूरा काला काला हो गया है। मेरी बात माने तो पीछे है, वैसे है कौन सी जगह है वो, जंगल है पीछे तो, पूरा जंगल है, शाम पाप तो नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है बोल के पीछे, कुछ भी नहीं है काला पूरा। वो देखो कोई पता नहीं क्या उड़ रहा है, क्या है, अबे क्या है, क्या है, क्या उठा के आ जा। तो यार बहुत ही ज्यादा डर गए, पता नहीं कुछ तो था पानी में, कुछ दिखा नहीं, बस काला काला कुछ दिखा, टच भी हो रहा था बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम बाहर आ गए और लगता है चैलेंज तो हमने फेल कर दिया पर बच गए। पता नहीं कहाँ पैरों पैरों में कुछ काट लिया, देखना पड़ेगा, अभी तो कुछ दिख भी नहीं रहा ढंग से, कुछ तो था यार पानी के अंदर। आवाजें भी आ रही है बहुत सारे जानवरों की, हम तो नहीं जाओ यार साफ साफ टच कर रहा हूँ तो कुछ तो गाइस यार ये था हमारा 24 आवर्स इन द पूल चैलेंज, जो कि हम नहीं कर पाए क्योंकि गाइस यार कुछ ना कुछ हरकत होने लग गई थी पानी में। हम आधी रात तक तो पहुंच गए थे पर सुबह होने का वेट कर रहा था, पर उससे पहले ऐसा कुछ हुआ कि हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ा। तो ना ही हम ट्रिगर्ड इंसान भाई का 24 आवर्स इन पूल चैलेंज कर पाए, ना ही 24 आवर्स प्लेन, पर हमने ट्राई पूरा किया था। उस बात पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगली बार इससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक करेंगे और वो कंप्लीट जरूर करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।